हो, जेल से डरो मत, लाठी जेल मुकदमा, इसको नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में डाल दो। मैंने डाल दिया है। हमको पता नहीं ललित मोदी कहाँ है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से सुष्मिता सेन बता देंगे तुमको ललित मोदी कहाँ। नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है। मोदी जी सामने आओ और हिसाब दो हमको कि भारत 116 देशों की सूची में हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में 101 नंबर पे पहुंच गया। अदानी दुनिया के अमीर देशों की सूची में, अमीर लोगों की सूची में 2 नंबर पे पहुंच गया। उसको 2 नंबर ही काम करा करा के तुमने दुनिया का 2 नंबर का अमीर बना दिया और देश को भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। लड़ाई इस बात की है कि बात करनी होगी इस देश के अंदर। चोरी चुपके से बात नहीं होगी। मोदी जी सामने आओ और हिसाब दो हमको कि भारत 116 देशों की सूची में हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में 101 नंबर पे पहुंच गया। अडानी दुनिया के अमीर देशों की सूची में, अमीर लोगों की सूची में 2 नंबर पे पहुंच गया। उसको 2 नंबर ही काम करा करा के तुमने दुनिया का 2 नंबर का अमीर बना दिया और देश को भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। लड़ाई इस बात की है कि बराबर हिस्सा सबको मिलना चाहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे। हम लोग नारा लगाते रहे हैं 25 सालों से आंदोलन में कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। और कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, नई रोशनी लाएगा। कमाने वाला खाएगा, लेकिन यहाँ तो लूटने वाला लूटे जा रहा है। आपको पता है, अंदाजा है आपका पैसा कहाँ गया। भारत की सरकार से पूछा हमने कितना बांटा है अपने दोस्तों को कर्जा, तो सरकार ने बताया 12 लाख करोड़ रुपए कर्जा बांटा है। 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का कर्जा बांटा है। पूछा वापस कितना लिया, बोले 86,986 करोड़ रुपए वापस लिया। पूछा बाकी क्या हुआ, बोला बट्टे खाते में डाल दिया। क्या कर दिया? एनपीए में कंफ्यूज मत होइए, आप लोग पढ़े लिखे कर्मचारी हैं। एनपीए अलग है और बट्टा खाता अलग है। बट्टा खाता को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। क्या बोलते हैं? एनपीए तो हो गया 4 बार कर्जा नहीं दिया तो एनपीए में डाल दिया। 4 किस्त 5 किस्त नहीं दी तो एनपीए में डाल दिया। बार बार बैंक ने कहा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा नहीं दिया तो एनपीए में डाल दिया। और जब पैसा बिल्कुल नहीं दिया तो उसको उठा के राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया। डिफेंस फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान वाले का कर्जा बाकी हो जाते हो तो कहते हो पैसा पूरा नहीं हो रहा है, इसको बट्टे खाते में डाल दो। तुम्हारा पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते में 11 लाख करोड़ रुपए चला गया इस देश का। पता नहीं क्यों आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में ये जहर खुरानी का इंजन नरेंद्र मोदी चला रहा है। इसने हिंदू मुसलमान का इतना जहर पैदा कर दिया है कि आपको अपने मुद्दे समझ में नहीं आते। अपने मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा आपको। मोदी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। मोदी सरकार चोर है। आपका पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है। आपका पैसा, आम आदमी का पैसा बैंकों से उठा के अडानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं, विजय माल्या को देते हैं, नितिन संदेश को देते हैं, ललित मोदी को देते हैं। वो पैसा आपका लूटते हैं, बैंकों से निकालते हैं, लूट के लंदन में बैठ के आपको चिढ़ाते हैं। मैंने कहा मोदी जी 3,000 करोड़ रुपए लूट के चला गया ललित मोदी, उसको पकड़ लो। बोले हमको पता नहीं ललित मोदी कहाँ है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, सुष्मिता सेन बता देगी तुमको ललित मोदी कहाँ है। नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है। यह है हिंदुस्तान की। यूनियन के पदाधिकारियों के बारे में ईडी और सीबीआई को पता चल जाए, बोले जंतर मंतर पे धरना दे रहे। हाँ, 20 साल पहले इनके नाना ने क्या किया था वो भी निकाल लेंगे। गलत नहीं कह रहा हूँ। बोले सस्पेंड करेंगे, तुम्हारी जांच करेंगे। इनके नाना ने एक बार 4 समोसा खाया था, उसका पैसा नहीं दिया था, उसकी जांच शुरू कर देंगे बेईमान। लेकिन इनसे बोलो कि तुम्हारे मित्रों ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूटा है, कम से कम उस पर तो कार्रवाई कर दो। नहीं करते। 42,000 करोड़ रुपए डीएचएफएल नाम की एक कंपनी है, उसने 42,000 करोड़ रुपए चूना लगाया देश को। और जानते कितना चंदा दिया बीजेपी को? 29 करोड़ रुपए बीजेपी को लिखित में चंदा दिया है। पीछे कितना दिया होगा ये बताने की जरूरत। कंपनियों का एनसीएलटी हो रहा है, उसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। बैंक वालों से जरा समझिए, बताएंगे आपको। 50,000 बाकी है किसी कंपनी का, 50,000 करोड़, उससे 500 करोड़ लिया, बाकी हेयर कट हो गया। हेयर कट नया टर्म निकाला इन्होंने। अरे मैंने कहा ये हेयर कट है, कर्जन कट है। 50,000 करोड़ किसी का कर्जा बाकी है, 500 करोड़ लेकर बाकी माफ कर दिया, तो हेयर कट हुआ कि कर्जन कट हुआ? इसलिए साथियों और दोस्तों, लड़ाई बहुत बड़ी है और इसलिए आप सबको एकजुट होना होगा, इकट्ठा होना होगा, इनसे सवाल पूछने होंगे। और भारत माता की जय लगाकर जो लोग भारत की संपत्तियां बेच रहे हैं, उनसे कहो कि भारत की संपत्ति को बढ़ाने से भारत माता की जय होगी। रेल बेचोगे, सेल बेचोगे, कोल इंडिया बेचोगे तो भारत माता की जय होने वाली नहीं है। और अब हम तुम्हारे फर्जी नारों में पड़ने वाले नहीं हैं। राजनीति के लोगों को और खास करके भाजपा के लोगों को फर्क तब पड़ता है जब चुनाव में हारते हैं, जमानतें जब्त होती है। बाई इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त हुई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चाहते हो तो हिंदुस्तान के सारे कर्मचारी इकट्ठा हो जाओ और बोलो कि तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे, वरना ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा। वीडियो जो लोग निकालते हैं, कुछ नेता आपके कहते हैं भैया 200 रुपए भी अगर पेट्रोल मिल जाएगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन नोट तो बीजेपी को देंगे क्योंकि मुसलमान को ठीक कर रहे हैं। कहते नहीं कहते? इन लोगों से सावधान हो जाओ, इन लोगों से सावधान हो जाओ। जब वोट मांगने जाए तो याद कर लेना, मैंने जो बताया है जहर खुरानी गैंग के लोग हैं ये लोग। इनका नाम मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। झगड़ा पार्टी अपने घर में बैठा दोगे ज्यादा, पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इनसे सावधान हो जाओ, इनसे सावधान हो जाओ। और इसलिए ये सिर्फ डिफेंस का सवाल नहीं है। रेलवे वालों को जोड़िए, बैंक वालों को जोड़िए, टीचर्स को जोड़िए, सारे यूनियन को एक साथ लाकर खड़ा कीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर मैं बताता हूं, जब मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया तो लखनऊ के एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहा था, वहां पे पुलिस वाले मेरे पास आ गए, उन्होंने सैल्यूट जोर से मारा। मैंने कहा तो पुलिस वाले बहुत दिन बाद मुझे सैल्यूट मार रहे हैं, क्या बात है? बोले भैया ये जो आपने ओल्ड पेंशन का मामला उठाया ये बहुत अच्छा है। तो थाने में भी रखेंगे तो लाठी कम चलेगी। वैसे लाठी और जेल से डरो मत, लाठी जेल मुकदमा इसको नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में डाल दो। मैंने डाल दिया है, मैंने डाल दिया है, तभी बोल पाता हूं, वरना बोल नहीं सकता इनके खिलाफ कोई। इनके नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में इनका एफआईआर, इनका मुकदमा, इनकी जेल, इनकी लाठी सब डाल दो और बोलो कि हम तुमसे लड़ने के लिए, सीना तान के लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको हमारा हक देना होगा।